अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपनी जुमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा कि मैं आपको तिब्बत कोल्ड क्रीम के बारे में बताने लगी हूँ, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल में आप सबको दूंगी और यकीन नहीं करेंगे, ये क्रीम मैं कहती हूँ क्या एक पुरानी यादें हैं, क्या पुरानी चीज है और क्या इसके रिजल्ट है। बाकी ये मैं आपको बताती चलूं कि पहले तो मैं आपसे छोटी सी बात करूंगी, मुझे इतना दुख होता है ना प्लीज, कि मैं कहती हूँ मैं इतनी मेहनत करती हूँ, घर के हम लोग काम करते हैं, काम करके हम आपके लिए बैठ के वीडियो बनाते हैं और फिर उसमें जो उसकी मिक्सिंग जो भी उसमें लटर बटर बटर डटर होते हैं, जो मेरा बेटा माशाल्लाह करता है, मतलब उसकी सेटिंग करते हैं मींस के, तो वो इतना टाइम लगता है हर चीज में। जिस तरीके से जो वीडियो बनाता है उसको तो पता ही होता होगा कि वो कितना इसमें मतलब टाइम लगता है। फिर हमने जिस तरीके से मोनिटाइज अपना मतलब चैनल कराया है, कितना यानी कि हर चीज मुश्किलों से गुजरे हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप प्लीज जो लोग मेरी वीडियो देखता है उसको कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, क्योंकि जो भी है ना हर किसी को कुछ ना कुछ इससे मिलेगा। ये ना समझे कि मैं आपको कोई चीज सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही, हर चीज मैं आपको बहुत तहे दिल से यकीन ही करेंगे कि मैं आप सबको समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरा कॉल आ गया, मैं तो जी मेरी जैसे कि आपको पता है कि कॉल आ गई थी, फिर मैंने वो रिसीव की है। तो इसके बाद जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही थी वो थी तिब्बत, ये जी हमारे पास है जी कोल्ड क्रीम, ठीक है, शायद आप सबको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसकी जो प्राइसेस मैं आपको बताती चलूं कि इसकी 120 जो है प्राइसेस है, मेरे ख्याल में आई थिंक अब जो है कोई 140 की दे रहा है या कोई 120 की दे रहा है। और मैं आपको बताऊं ये जो तिब्बत कोल्ड क्रीम, मतलब इसमें एक वेंशिंग क्रीम होती है, वो आपने शायद देखी होगी, सिल्वर कैप वाली होती है, और वो इतनी कोई जबरदस्त क्रीम होती है फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। गर्मियों के लिए तो मैं कहती हूँ वो बस, उसके अलावा तो कोई अच्छी चीज है ही नहीं। आपकी बेस उससे इतनी अच्छी बन जाती है कि लड़कियां जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी भी अगर लगा के जाए तो आपको बहुत जबरदस्त उसके रिजल्ट मिलते हैं, तिब्बत स्नो जो होती है ना। इसके बाद ये जो सर्दियों में अगर किसी ने यूज करनी है वो ये है तिब्बत कोल्ड क्रीम, ये जो हमारी नानियां दादियां इस्तेमाल करती हैं, आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं कहती हूँ क्या ये जादू भरी इसमें मॉइस्चराइजर है। सब कंफ्यूज होते हैं कि आप लोग कहते हैं कि मॉइस्चराइजर लोशन यूज करें, मॉइस्चराइजर ये करें, सीरम करें, पर मैं कहती हूँ अगर जिस बंदे ने ए क्रीम कर ली है ना इस्तेमाल, तो फिर तो गल ही मुक्की ना, यकीन नहीं करेंगे, फिर मैं कहती हूँ आपकी बात ही खत्म, आपको कोई लोशन की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई स्किन है, बस सिर्फ उससे क्या करना है, रात को ये मसाज, इससे क्रीम से क्रीम का मसाज करना है, फिर आपने अच्छे तरीके से सो जाना है। मतलब जब किसी को हम लोग कहते हैं ना जिसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राई होती है, तो हम कहते हैं बादाम रोगन लगाएं, आप कोई कोकोनट ऑयल लगाएं, तो आगे से कहती हैं आए उसकी स्मेल बड़ी है नौशीन, आप हम नहीं लगा सकते। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे इसका, मैं ये इसका जो टेक्स्चर है ना, ये पाकिस्तान की ही बनी हुई है और स्वाद लिखा हुआ है मेड इन स्वाद, ठीक है, ये चेक करें। अच्छा, स्मेल पूछो ही ना, यकीन नहीं करेंगे कि इतनी कोई जबरदस्त इसकी खुशबू है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये व्हाइट सी क्रीम है और ये है, लेकिन क्या पता करना है जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई स्किन है उन्होंने ये यूज करनी है। बाकी अगर आपने इससे बेस बनानी है ना, आप बिलीव नहीं करेंगी बेस इससे बहुत अच्छी बनती है। आय हाय हाय, मजा ही आ गया। बेस मतलब आपको इस तरह बताती चलूं कि सख्त सर्दियां, ये नहीं कि गर्मियों में आपने लगा ली और उसके बाद बेस बना ली, फिर बोलो नौशीन आप भी जी ने हमें ये बताया था हमारी जो बेस है वो मेल्ट हो गई, हमारी वो यूं हो गई, खराब हो गई, ऐसे नहीं करना है। आपने मौसम की तब्दीली के हिसाब से चीजें अप्लाई करनी है। तो सर्दियां जैसे कि आपने ये कपड़ों के हिसाब से अंदाजा कर लिया हुआ कि इसमें कितनी ड्राई स्किन होती है, और इसमें ड्राई स्किन के साथ साथ जब हम लोगों ने स्किन को मॉइस्चराइज अच्छे तरीके से कर लेंगे, फिर हम कोई भी स्टिक कोई भी बेस हम लोग अप्लाई कर लेंगे, तो आपकी सोच है कि वो इतनी कोई फ्लॉलेस बेस बनती है ना, इतनी जबरदस्त बनती है। मेरे पास आज भी पार्टी मेकअप आए थे माशाल्लाह से, तो मैंने उनको तकरीबन काफी लोगों को मैंने ये मॉइस्चराइजर जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो थी ड्राई स्किन थी मैंने यूज की है। मैं आपको उसको इस्तेमाल का तरीका बता देती हूँ, खैर इस्तेमाल करने का तरीका तो सबको ही आता होगा, लेकिन पता है मेरे क्या दिल कर रहा था कि मैं अमूमन रात को ना ये लगा के सोती होती हूँ ना, जब मैं मतलब ये सर्दियां आती हैं, तो मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं ना आप सबके सामने लगाऊं, आप सबके सामने अप्लाई करूं।
तो ये बताती चलो। तो बस आप सबसे यही कहने के, ये देखें बस आपने रात को ये जो हमारे ये इस एरिया होता है ना, मतलब यहाँ पे जल्दी जल्दी से रिंकल्स पड़ जाते हैं, आपने ये चीज आईज को इस तरह से करके आपने जरूर मसाज करना है, ये चीज फिंगर्स या ये टिप्स होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। ये चीज आपको शायद फील हो रहा होगा, ये देखें सारा आपने ऊपर की तरफ करके मसाज करना है, फिर आपने ये लाफ लाइन हमारी आती है, तो ये चीज रात को जब हम अच्छे तरीके से मसाज करके सोएंगे तो हमारी स्किन आप समझिए जाहिर है मॉइस्चराइजिंग मिलेगी, बोटॉक्स की तरह काम करेगी और बहुत ही स्किन हमारी मतलब ऊपर की तरफ हमारी आएगी, स्किन जो है क्या कहेंगे मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारी स्किन टाइट होगी, सिर्फ एक टाइट का लफ्ज मेरे दिमाग से निकल गया। ऐसा कभी कभी हो ही जाता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, जो लफ्ज आपको आ रहे होते हैं वो भी भूल जाते हैं और उल्टे पुलटे निकल आते हैं। तो यही बताने का मकसद होता है, इसलिए देखिए अब हमारी यहाँ पे लाइन्स आ गई, ठीक है। उस लाइन को भी हमने ये चीज का मतलब ये तीन चार चीजें हैं हमारी जिसको हमने अच्छे तरीके से हमें मसाज करके रात को और सोना है, ठीक है। कुछ लोगों का हम कहते हैं आप ये हमारी डबल चिन है, तो डबल चिन में आपने पता क्या करना है, आपने ये लगाया, ये देखिए क्रीम लगाई और आपने ये और ये, ठीक है, ये और ये, फिर उसके बाद आपने ये मुक्का बनाया, दोनों मुक्के बनाए आपने, एक मुक्का नीचे और एक मुक्का ऊपर, ये ठीक है। अब इसकी बारी ये ऊपर और ये नीचे, फिर ये ऊपर और ये नीचे, फिर ये चीज आपने ये इस तरीके से करना है, ये चीज, ठीक है। मतलब ये मसाज की मैं आपको और डिटेल से तरीके से बताऊंगी कि अब ये मैंने करके ना रात को सो जाना है, सुबह अच्छे तरीके से फेस वॉश कर लूंगी तो स्किन बड़ी अच्छी ड्राई नहीं मिलती है, फिर आपकी मतलब आप लिपस्टिक भी लगाओ, हल्की फुल्की लाइट सी बेस लगाओ और आपकी बहुत अच्छी सी आपकी बेस बन जाती है। तो दुआओं में क्या करना है जी, याद रखना है नौशीन को और मेरे चैनल को ना अभी जाके सब्सक्राइब करना है, प्लीज मेहरबानी करके जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करके मैं बना रही हूं। और जी अल्लाह हाफिज़।